हे गाइस, कैसे आप लोग? होपफुली सब लोग अच्छे हैं। तो पहली बात, मेरा वैक्सीनेशन हो गया, फर्स्ट डोज कोविशील्ड। बहुत टाइम से ढूंढ रहा था मैं, मैंने बहुत लोग से पूछा कैसे मिलता है कैसे मिलता है। तो फाइनली मेरे फ्रेंड ने जाके, मैनुअली जाके, वहाँ एक हॉस्पिटल है NGM, वहाँ पर जाके नाम लिखा के आया। तो नेक्स्ट डे हम लोग का नंबर आ गया। तो थैंक यू हेमंत फॉर डूइंग दैट। हेमंत, आलोक एंड जयेश, ये तीन लोग गए थे मेरा खुद का नाम लिखाने। तो मैंने उनको बोल दिया था कि भाई अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, अगर आप लोग कोई कुछ मिलता है वैक्सीनेशन का स्लॉट्स वगैरह, तो मेरा भी कर दीजिए। मैंने बहुत लोगों से पूछा कैसे करते, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, टेलीग्राम पे क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन भी आए मेरे एंड मैसेजेस भी आए healthify.me से। बट जैसे ही मैं दिखता मैसेज एंड बुक करने था स्लॉट्स, तब तक सारी स्लॉट्स वॉज लाइक कम्प्लीटली बुकड। मुझे एक स्लॉट भी नहीं मिला बुक, क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन के लिए। तो मैं बहुत दिन से, मतलब आई वॉज ट्राइंग दैट फॉर लाइक 3 weeks कंटिन्यूसली। भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नो लक विथ इट। तो फाइनली मैं परेशान हो गया, मैंने बोल दिया भाई जाके लोकल हॉस्पिटल में पूछ इफ इट्स पॉसिबल कि कैसा कुछ ऑफलाइन क्या बोलते हैं फॉर्म वगैरह है क्या। मैंने शायद से कहाँ से सुना था और मेरे दोस्त लोग बोले थे ऐसे कुछ है, तो मैंने बोला अगर पॉसिबल हुआ तो मेरा भी नाम लिखा दो। तो पहला पड़ाव पार हो गया, वैक्सीनेशन बुक हो गया। तो जो चीज़ के लिए आप लोग आए थे कि भाई आफ्टर वैक्सीनेशन कैसा लगता है, क्या लगता है और किधर दुखता है, क्या दुखता है, तो मैंने वैक्सीनेशन लिया फ्राइडे को एट 11:30, मतलब 10 से 11 के बीच में, वो टाइम स्पैन में मैंने वैक्सीनेशन लिया था। तो जैसे ही वैक्सीनेशन लिया, थोड़ा सा मतलब हल्का सा, मतलब मिनिमम शोल्डर पेन चालू हो गया था, मतलब ऐसा लगता है ना थोड़ा सा हल्का सोर है आज मसल, तो वैसा एकदम हल्का सा टेंज, वो विद इन 10-20 मिनट्स पेन निकल गया था, उसका कुछ इशू नहीं है। और उसके बाद मेरा डेडलिफ्ट सेशन था, डेडलिफ्ट एंड बेंच सेशन, तो वो भी अच्छे से हो गए। उसका वीडियो मैं थोड़ा सा ये बातें होने के बाद आएगा, थोड़ा टाइम में आएगा। सो वैक्सीनेशन के बाद कुछ इतना इशू नहीं हुआ, बट जब मैं सोने के लिए गया था एट अराउंड लाइक 2 AM, तो नींद आ गई मुझे, इशू नहीं है नींद में। आई वॉज फीलिंग अ बिट फिटिंग, मतलब मुझे लग रहा था कि भाई थोड़ा सा बॉडी ड्रेन हो गया है, बट वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा पेन वगैरह भी है, बट आई गेस दैट वॉज नॉर्मल बिकॉज लाइक आफ्टर अ हैवी डे ऑफ ट्रेनिंग वैसे लगता ही है मुझे। बट इस टाइम थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, फिटिंग महसूस हो रहा था, बट दैट्स नथिंग, दैट्स जस्ट वैक्सीनेशन। उसके बाद अचानक से मेरी आँख खुल गई एट 4 AM, आई वॉज फीलिंग वेरी हॉट, और ऊपर से मेरी लाइट भी चली गई थी, मतलब दोनों काम एक साथ, मतलब एसी भी नहीं था, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। मैंने डायरेक्टली फ़ोन उठाया, अब परेशान आ गया, मतलब कॉल किया मैंने जो हम लोग के लाइट प्रोवाइडर है MECB को, मैं बोला भाई सीन क्या हुआ, सीन क्या हुआ। तो भाई वो लोग बोले कि कुछ तो आवाज़ आया, सॉरी गाइस बारिश हो रही है तो थोड़ा सा आवाज़ आएगा, उसका आवाज़ अलग आया, आई गेस ड्यू टू द रेन वो आवाज़ आया, भोंग करके कुछ आवाज़ आया बोला वो, और उसके से लाइट गई। तो ही टोल्ड दैट वो लोग चेक कर रहे हैं, बारिश बहुत ज़ोर से आ रही है, होपफुली आप लोग को सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको सुनाई दे रहा नहीं है तो सॉरी गाइस, मैं और कुछ नहीं करता साउंड आइसोलेशन के लिए। तो जैसे ही बात हुई, विद इन लाइक हाफ एन आवर लाइट आ गई, फिर से फॉर लाइक 2 मिनट्स लाइट चली गई, लाइट आई, ऐसा होता गया फॉर 2 to 3 times। उसके बाद 5 o'clock, अराउंड 5 o'clock को मैं AC लगा के सो गया कम्प्लीटली, मतलब जैसे नींद आ गई थी मुझे, और अच्छा नींद आई मुझे, अच्छा मतलब आज थक गया था पूरा, टायर्ड हो गया था, और
रात को मतलब सोने जाने से मुझे लगा था मुझे कुछ फीवर आया, बट जब लाइट नहीं थी मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया एट 4 AM, इट वॉज अराउंड 99.8 फ़ारेनहाइट। सो आई वॉज मतलब थोड़ा सा फीवर था, बट आई गेस दैट वॉज नॉर्मल। वो होता ही, डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पे। कोई कोई लोगों को फीवर नहीं आता, बट कोई कोई लोगों को फीवर आता है। जहाँ तक मैंने देखा है मेरी फैमिली में, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग को फीवर आया था, मॉम डैड बहन भाई का वैक्सीनेशन बाकी है, तो वो थोड़ा सा आलसी है। जैसे स्लॉट मिलेंगे उसका भी कर देंगे वैक्सीनेशन, वो मोस्टली सोता रहता है जब हम लोग जगे रहते हैं, तो दैट्स द इशू। और हाँ, तो मैं कहा पर था, वैक्सीनेशन होने के बाद कैन यू वर्क ट्रेन? सो आफ्टर द वैक्सीनेशन इफ़ यू गिव अ टाइम स्पैन ऑफ लाइक 3 to 4 hours, आई गेस यू कैन ट्रेन। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि भाई डिफ़िकल्ट होगा ट्रेन करने के लिए उस पर्टिकुलर डे पे, बट आफ्टर लाइक क्या बोलते हैं, सैटरडे हुआ तो मुझे थोड़ा सा सोरनेस बिल्डअप हो गया जहाँ मैंने वैक्सीनेशन लिया था। अभी भी थोड़ा सोरनेस बिल्डअप है इन द शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, आई गेस इंट्रामस्कुलर क्या वैक्सीनेशन होता है, दैट्स वाई इट पेन्स अ लॉट। तो ये मोस्टली आई गेस होता है सोरनेस, बहुत लोग को होता है, बट बेंच प्रेस करते हुए मुझे कुछ डिफिकल्टीज नहीं हुए। हाँ, बट एक्सरसाइज करते हुए स्पेशली बाइसेप कर्ल्स एंड लैटरल रेजेस करते हुए, लैटरल रेजेस समझ आता है, बट बाइसेप करते हुए पता नहीं मुझे क्यों या पेन होता है। कोई कोई सेट में होता है, कोई कोई सेट में नहीं होता, बट वही था बस। यही बोलूँगा कि भाई वैक्सीनेशन ले रहे हो तो वर्कआउट करो, अगर फील हो रहा है तो गो ऑन द फील, कि आपको फील कैसे हो रहा है। बिकॉज मेरा माइंड सेट हो गया था कि भाई मैं वर्कआउट करूँगा, बट इशू क्या हो गया था, मुझे थोड़ा सा नसीब हो गया था कि भाई वैक्सीनेशन लिया, विल आई बी एबल टू कंप्लीट द वर्कआउट, विल आई बी एबल टू लाइक परफॉर्म माय बेस्ट। तो बी प्रिटी ऑनेस्ट, मैंने जो परफॉर्मेंस दिया आई गेस इट वॉज वेरी गुड फॉर दैट डे। मतलब उतनी स्लीप के साथ, एक्चुअली मुझे दोस्तों ने जल्दी कॉल किया था अराउंड एट 9 AM को मेरे दोस्त का कॉल आया जयेश बोल के, भाई उठ जा वैक्सीनेशन लेना नहीं क्या? मतलब बुकिंग कब की, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो वैक्सीनेशन का सुबह सुबह कॉल आया, मतलब रुको आता हूँ, इट्स लाइक अराउंड लाइक 5 minutes वॉक फ्रॉम माई प्लेस द हॉस्पिटल। तो वैक्सीनेशन पहले कुछ खा के आना पड़ता है, तो सुबह सुबह कुछ रेडी नहीं होता खाने के लिए, मेरा खाना प्रेप करने के लिए टेक्स अराउंड 15 minutes, तो मेरे इतना टाइम नहीं है। थोड़ा सा दूध पिया, आप बोलोगे अब मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, तो मेरे पास लैक्टोस क्या बोलते हैं, लैक्टोस फ्री मिल्क है, अमूल का आता है, तो वो दो पिया और थोड़ा सा जेम्स पड़ा था, जेम्स तो जेम्स खाया मैंने एंड आई वॉज फिल। तो वैक्सीनेशन लिया, तो दैट वॉज द स्टोरी गाइज। थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे, मतलब मैं स्टोरी का एकदम ये फेज नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे याद आ रहा है वैसे बताया जा रहा हूँ। तो वैक्सीनेशन ले रहे हो तो खा के जाओ, और वैक्सीनेशन के बाद भी थोड़ा सा खा लो, बिकॉज हमने खाया था, हम लोग फिर सामने होटल था वहाँ पे गए, सॉरी होटल नहीं रेस्टोरेंट, वहाँ पे गए प्योर वेज खाना खाए, इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, बट अगेन हु नोज क्या हो गया वहाँ पे खाने का, या उनके टेस्ट बड्स ख़राब हो गए। तो वहाँ पे मतलब लग रहा था कि टेस्ट ही नहीं है सांभर चटनी में, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो दैट्स इट, वो हो गया। उसके बाद जब जैसे मैं बता रहा था कि मेरा शोल्डर और बाइसेप करते हुए, फॉर एग्जांपल लैटरल्स जब मैं करता हूँ और बाइसेप कर्ल्स करता हूँ, तो मुझे हल्का सा शोल्डर में डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेन फील होता है। तो वो सब कुछ सैटरडे को हुआ, सैटरडे मेरा एक छोटा सा वर्कआउट होता है, छोटा मतलब इट्स लाइक एक्सरसाइज डे फॉर मी। तो उसमें थोड़ा सा पेन किया, बट आई पुश थ्रू इट, लाइक कुछ नहीं है ये, तो इसी तरह पेन डील किया लोग ने, तो दैट पेन वॉज नथिंग फॉर मी। बट जो बंदे भी सोच रहे वैक्सीनेशन लेने का, तो गाइस प्लीज़ ले लो वैक्सीनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोविन ऐप पे बुक नहीं हो रहा है, तो मैनुअली मतलब ऑफलाइन गो टू द हॉस्पिटल्स जो भी आपके आसपास है जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, एंड फिल अप द फॉर्म, वहाँ पर जाके शायद से
यू कैन गो टू द हॉस्पिटल जहाँ पे मैनुअली दे आर टेकिंग ऑफलाइन फॉर्म्स, तो वहाँ पे अच्छा रहेगा. एंड आई गेट्स डैट सम्स इट. अगर आप एक पावर लिफ्टर हो और आपको वैक्सीनेशन चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग जब आपकी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्यूसडे थर्सडे को ट्रेन करते हो, आपका लास्ट ट्रेनिंग डे है फॉर द कंपाउंड लिफ्ट्स, तो थर्सडे को लीजिए. पर स्लॉट्स मिलते नहीं है तो यू कांट बी चूजी, जब मिले ले लो. आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग वैक्सीनेशन ऑन सैटरडे, बट फ्राइडे मिला तो मैंने फ्राइडे ले लिया. आई वॉज वेरी चूजी अबाउट सैटरडे, बट मुझे लगा था कि एक दिन का फीवर हो गया, संडे हो गया, फिर मैं आई कैन ट्रेन ऑन मंडे, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ. बट एक्चुअली इट वॉज अ गुड थिंग फॉर मी कि भाई फ्राइडे को ले लिया, बिकॉज इफेक्ट उसके बाद चालू हुआ. वैक्सीनेशन लिया मैंने, जैसे बताया था मैंने 10 to 11 के बीच में, और मेरा फीवर चालू हुआ अराउंड 4 AM को. तो अच्छा है, मेरा उसमें अच्छा वर्कआउट हो गया वो टाइम रेंज के बीच में, तो आई एम गुड. और आप जो चीज़ देखने आए हो, देखने नहीं आए हो, मुझे क्या पता, वैक्सीनेशन की वजह से आए हो या मेरा वर्कआउट ब्लॉग की वजह से आए हो, तो मेरा स्क्वाट का वीडियो देख लो. मुझे याद नहीं है टॉप सेट और बैक डाउन सेट, बट मंडे थोड़ा डिफिकल्ट गया था, मेरा बैक प्रॉपरली रिकवर नहीं हो रहा था, तो मैं इतना पुश भी नहीं किया और इतना अच्छा गया भी नहीं था वर्कआउट मंडे का. और उसके बाद मैंने मारा फीट अप बेंच, वो भी देख के आइए. फिट अप बेंच भी हो गया मेरा, एंड नेक्स्ट डे था मेरा हाई बार स्क्वाट एंड क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस. तो आप ये दोनों क्लिप में दोनों वर्कआउट एक साथ देख के आओ, कौन बार बार चुटकी वाला करेगा. तो गो सी माय हाई बार स्क्वाट्स एंड क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस. Thank you.
कोई नहीं, मेरा डॉग बहुत मस्ती कर रहा था तो मॉम ने उसको बाहर छोड़ दिया अभी। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस पे। सो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस अच्छा गया, एक्चुअली ट्राइसेप मेरा खतरनाक पंप हो गया था। यू कैन सी माय ट्राइसेप बिकॉज आई एम नॉट दैट लीन राइट नाउ, आई एम जस्ट फैट। मेरा वेट है शायद 114 kg इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हो गया क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस हो गया। उसके बाद मेरा आया वैक्सीनेशन डे, मतलब ट्रेनिंग डे फ्राइडे को। तो फ्राइडे मैंने किया कॉम बेंच और कॉम्प डेडलिफ्ट। तो कॉम बेंच वॉज एट 155 kg, एक्चुअली था 153 बट मैंने 155 kg किया फॉर डबल्स। एंड बैक डाउन सेट वॉज एट 135 kg। तो आप देख के आइए। ओके दैट्स डन। अभी आप मेरा डेडलिफ्ट देख के आइए विच वॉज एट 275 फॉर डबल्स। एंड बैक डाउन सेट वो लाइक एट 235 kg। तो आप दोनों सेट देख के आइए फटाफट। सॉरी गाइज, मेरा डॉग थोड़ा सा आवाज़ कर रहा था, उसको एक्चुअली वॉक नहीं जाना है। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, दोपहर में टाइम नहीं मिला मुझे। तो मैं कहाँ पर था, डेडलिफ्ट। हाँ तो डेडलिफ्ट मेरा काफ़ी अच्छा गया फॉर डबल्स। देखते हैं नेक्स्ट वीक अच्छा जाता नहीं आता, फटाफट वीडियो खत्म करते हैं। तो दैट्स व्हाट इज़ फॉर टुडे। बैक डाउन सेट डेडलिफ्ट का पता नहीं क्यों अच्छा नहीं गया, और बेंच का टॉप सेट भी अच्छा नहीं गया। बेंच का बैकडाउन सेट वो सुपर, आई गेस बेंच का बैकडाउन सेट क्यों ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि मैं पॉज नहीं कर रहा इतना लंबा फॉर द बैकडाउन सेट्स, और टॉप सेट में मैं काफ़ी ज़्यादा पॉज कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से हो सकता है फॉर श्योर। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल नोटिफिकेशन आइकन हिट कर देना, दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लोग को पता लगना चाहिए कि भाई मैंने वीडियो कब निकाला है। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतने रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। तो वीडियो पसंद आया तो हो चुका है ना, ये तो बोल चुका हूँ मैं, मुझे खुद को याद नहीं आ रहा क्या बोलना है। तो सदा स्ट्रॉन्ग रहो गाइज, सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, एंड वैक्सीनेशन ले लो फटाफट, जैसे ही मिलता ले लो यार, मैं बोलता हूँ इट्स मतलब क्या बोलता है, अच्छा है आपके लिए आपकी फैमिली के लिए। तो सेव योर फैमिली, अगर आपको लोगों को और सेव नहीं करना है, आपको सेव खुद को सेव नहीं करना है तो सेव योर फैमिली, सबको वैक्सीनेशन कराओ फैमिली में। तो दैट्स इट, और सबसे पहली बात, जो भी वैक्सीन मिले ले लो भाई, ये फाइजर स्पुटनिक कोवी वैक्सीन कोविशील्ड, जो भी इनमें से मिले फटाफट ले लो, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। आई गेस कोवी वैक्सीन का इतना स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है जितना कोविशील्ड का है, तो कोविशील्ड लो, जो भी अवेलेबल ले लो, बट वैक्सीनेशन ले लो भाई प्लीज़। तो ये हो गया, तो दैट्स इट गाइज, सदा स्ट्रांग रहो, पीस आउट।